पाकशाला हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं ताजे नारियल की बर्फी। ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी स्वीट है। इस मिठाई को आप व्रत में भी खा सकते हैं, चाहे वो कृष्ण जन्माष्टमी हो, नवरात्र हो, शिवरात्रि हो या फिर दिवाली हो। नारियल की बर्फी बनाने के लिए मैंने 2 नारियल लिए हैं। बर्फी बनाने के लिए जब भी नारियल लें तो उसको हिलाकर देख लें कि उसमें कितना पानी है, और ये हैवी होना चाहिए वेट में। जो पुराना नारियल होता है वो हल्का होता है, तो ताजे नारियल की पहचान ये है कि वो भारी होगा और उसमें पानी होगा। तो मैंने 2 नारियल को तोड़ लिया है। इसके ऊपर का जो ये ब्राउन छिलका है, इसे हम छील कर निकाल देंगे। बर्फी बनाने के लिए हमें केवल इसका सफ़ेद हिस्सा चाहिए। मैंने सभी नारियल को छील कर धो लिया है और मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे छोटे टुकड़ों में काटना पसंद करती हूँ हाथ से। इस तरह जल्दी काम हो जाता है। अब इसे हम एक मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे। थोड़ा थोड़ा डालकर पीसेंगे जिससे ये आसानी से पीस जाए। इसे हमें ज़्यादा नहीं पीसना है, बस इतना ही पीसना है कि ये बारीक हो जाए। इसका पेस्ट नहीं बनाना है। जैसे चटनी बनाने के लिए पेस्ट बनाते हैं, तो वैसा पेस्ट नहीं चाहिए इसका। मैंने इसे 2 बार में पीस लिया है और ये बारीक पीस चुका है। ये पीसे हुए नारियल को मैंने नापा है कप से। ये टोटल 4 कप नारियल है। 4 कप नारियल के लिए मैंने 2 कप से थोड़ा कम चीनी लिया है। यदि आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 2 कप चीनी भी ले सकते हैं। और दूध लिया है मैंने 2 कप फुल क्रीम। अब बर्फी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नारियल को भून लेंगे। आप जिस पैन या कढ़ाई में भून रहे हैं वो भारी तले का होना चाहिए। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रहेगी और इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। ये मिक्सचर तली में लगना नहीं चाहिए। यदि मिक्सचर तली में लग जाता है तो जो बर्फी है उसका स्वाद खराब हो जाता है। इसे हम 1 से 2 मिनट ही भूनेंगे ताकि इसके अंदर की नमी खत्म हो जाए। अब इसमें दूध डालेंगे और इसे दूध के साथ मिक्स करते हुए पकाएंगे, जिससे ये मिक्सचर जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा और पक भी जाएगा अच्छे से। यदि आप इसमें मलाई डालना चाहते हैं तो इसमें 1/2 कप मलाई डाल सकते हैं और 1 कप दूध। यदि फ्रेश क्रीम डालना चाहते हैं तो 1/2 कप क्रीम और 1 कप दूध काफ़ी रहेगा, लेकिन मैं इसे केवल दूध से बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें केवल दूध ही डाला है। इसे हमें इतना पकाना है कि इसके अंदर जो पानी है वो ख़त्म हो जाए, थोड़ा सूख जाए। और जैसे ये सूखने लगता है इसमें मिलाएंगे शुगर। इसे मिक्स करेंगे। जैसे जैसे शुगर नारियल के साथ मिक्स होती है तो ये अपना पानी छोड़ देती है, तो ये हमारा जो मिक्सचर है एक बार और पतला हो जाता है। अब गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। शुगर ने जो पानी छोड़ा है वो जल जाए और ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। आपको मेरा ये नारियल की बर्फी बनाने का तरीका कैसा लगा ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और इसको देखते हैं दबाकर एक साइड से। इसमें थोड़ा सा भी नमी है, थोड़ा पानी है इसमें। इसे और भुनेंगे अभी। यदि हम इसी स्टेज पर बर्फी जमाएंगे तो ये बर्फी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, जल्दी ही ख़राब होने लगती है। तो इसे लंबा चलाने के लिए इसे हम थोड़ा सा और ड्राई करेंगे। और ये देखिए इसका पानी लगभग सूख चुका है, इसका मतलब है ये बनकर तैयार है। गैस बंद कर देंगे। बर्फी जमाने के लिए मैंने एक ट्रे ली है, इसके ऊपर मैं बटर पेपर लगाने वाली हूँ। बटर पेपर को हम घी से ग्रीस करेंगे जिससे बर्फी आसानी से निकल आए। आप चाहें तो इसे किसी प्लेट में या थाली में भी जमा सकते हैं। थोड़ा सा घी लगा लें उसके ऊपर। तो मैंने पेपर सेट कर लिया है। अब इसमें सारा मिक्सचर डाल देंगे। इस समय नारियल में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी।
होती है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। काश ऐसी टेक्निक होती, जिस तरह आप ये बर्फी को देख रहे हैं बनते हुए, आप इसकी स्मेल भी ले सकते हैं। इसे हल्के हाथ से दबा देंगे। अब एक चम्मच से इसको सेट करेंगे दबाते हुए, इसको शेप देंगे। इसके जो किनारे हैं वो अच्छी तरह से दबाएंगे। इसे हम बाहर ही छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। यदि आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं लगभग 1 घंटे के लिए। हमारी बर्फी को 3 घंटे हो चुके हैं और देख लेते हैं निकाल कर। ये सेट हो चुकी है अच्छे से और ये देखिए जम चुकी है। अब इसे हम ट्रे से बाहर निकालेंगे। अब हम इसके पीस काटेंगे। आप अपनी मनपसंद के पीस काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, छोटे या बड़े या किसी और शेप में। मैं इसे चौकोर शेप में काट रही हूँ। बहुत सॉफ्ट बनी है ये, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये, बहुत ही आसान स्वीट है और इसे आप कभी भी बना सकते हैं। इसे व्रत में भी खा सकते हैं। ये इस तरह की रेसिपी है, आप इस मिठाई को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है ये। जो फ्रेश नारियल का टेक्सचर है बहुत अच्छा आता है इसमें, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनी है और जूसी बनी है ये। इसे बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप जो भी कढ़ाई या पैन ले रहे हैं वो भारी तले का हो, और इसे कम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है। ये तली में चिपकनी नहीं चाहिए। और जब ये अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाए, गाढ़ी हो जाए, आप इसे जमा दें। आपकी नारियल की बर्फी कैसी बनी हमें ज़रूर बताएं। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।